हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्र चालू होने वाले हैं तो उससे पहले मंदिर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो ये देखिए मंदिर का सारा बर्तन और भगवान को मैं अच्छे से धुलाई कर रही हूँ। ये मैंने निरमा लिया है और इसमें मैंने आधा नींबू डाल लिया है, ताकि जो ऑयल वगैरह मंदिर के सामान में लग जाता है तो वो आराम से साफ़ हो जाए। और बेटी भी देखिए नहा करके आ गई है और पूछ रही है भगवान को, कैसे नहला रही हो आप, क्या कर रही हो, कैसे साफ़ कर रही हो, क्योंकि बच्चों के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हर साल नवदुर्गा चालू होने से पहले हम लोग इसी तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और घर सारा साफ़ करने के बाद ही मैंने मंदिर को साफ़ किया है। नहा करके मैं आ गई हूँ। तो ये देखिए दीपक वगैरह सारा कुछ मैंने साफ़ कर लिया है इसी तरीके से, और ये देखिए लोटे को भी मैं मांझ लूँगी इस तरीके से अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और तांबा तो जो है ना, जब तक पीतांबरी से साफ़ नहीं करो तब तक साफ़ होता नहीं है। फिर भी मैं इस तरीके से धो करके रख देती हूँ, उसमें कलर ही चेंज हो जाता है। बट ये पुराना तांबा है, आजकल जो तांबा आ रहा है ना उसमें ऐसा नहीं है। और ये देखिए मैं सिंहासन भी इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ अच्छे तरीके से सारा कुछ, और मंदिर भी मैंने धो दिया था। अब इसको हल्का सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो गीलापन है वो, वैसे ऑलमोस्ट सूख गया है बट फिर भी मैं गीला कर लेती हूँ, सूखा कर देती हूँ, गीला कर लेती हूँ, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि थक जाने के बाद ना एडिटिंग भी नहीं होती है। ये देखिए मैंने सारा कुछ इस तरीके से धो धो के दो दो पानी से और रख दिया है। और बेटा अभी मेरा नहा करके आ गया है, देखिए कितने अच्छे से दोनों बैठे हुए हैं। जो भी काम मैं करती हूँ ना, मेरे बच्चे आराम से बैठ के देखते हैं, और भगवान उनको इसी तरीके से बनाए रखे कि हर काम को वो लोग आराम से करें और पूछें, सोचें, समझें, सब कुछ करें। और ये आदत मेरे बच्चों की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दोनों देखिए बैठे हुए हैं और सारा कुछ पूछते जा रहे हैं कि इनको क्या किया, इनको क्या किया, इनको क्या भगवान बोलते हैं, इनको क्या भगवान बोलते हैं। तो ये बातें ना बच्चों की बहुत अच्छी लगती हैं। और देखिए सारी चीज़ें मैंने ऐसे धो दी है, और सब चीज़ों के सिंदूर की डब्बी वगैरह सारा कुछ अब देखिए मैं पोंछ करके जमा देती हूँ। जो तस्वीर वगैरह थी उनको, हल्का गीला कपड़ा था उससे मैं पोंछ करके इस तरीके से इनको जमा देती हूँ। और जब मंदिर को मैं अच्छे तरीके से सजा देती हूँ ना, बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो यहीं पर, मन को बहुत शांति मिलती है वो जगह में बैठ करके। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मैं इस तरीके से सारा को जमा लूँगी और भगवान को इसी तरीके से स्थापित कर दूँगी जहाँ पर थे। हमेशा मैं सोचती हूँ कि मंदिर की तस्वीरें इधर की उधर कर दूँगी, जो भगवान यहाँ थे उनको इधर उधर रख दूँगी, बट हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है ना वहीं अच्छी लगती है। मतलब हमेशा इधर उधर करने का मैं सोचती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ। जो चीज़ जहाँ रखी थी ना मैंने शुरुआत में, वहीं मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इधर उधर करने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए पिंडी रख दी है शंकर भगवान की, उनके नंदी जी को भी बैठा दिया है, और गणपति बब्बा भी बैठे हैं। और मेरे मन को सबसे ज़्यादा प्रिय लगने वाले भगवान ये हैं। जब से मैं मथुरा गई हूँ ना, ऐसा लगता है कि बस मतलब इनका रंग एकदम चढ़ गया है। ऐसा लगता है कि बस यही भगवान मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। और ये जो मेरी मूर्ति है ना लड्डू गोपाल की, ये मथुरा की ही है। और देखिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। ये देखिए अगरबत्ती अब हम लोग लगा रहे हैं। ये देखिए आप लोग भी मेरे साथ पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग भी हाथ जोड़ करके जो मांगना है ना भगवान से मांगिएगा। भगवान जो है सबकी इच्छा पूरी करते हैं, और मन में अगर श्रद्धा हो ना तो सब कुछ मिलता है इंसान को। बस शांति होना चाहिए मन में, कि ऐसे उसके मन में ये नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिलेगा ही। तो पूजन मेरी हो गई है मंदिर में, अगरबत्ती और वो भी मैंने लगा दिया है। तो ये देखिए ऊपर जो ओम बना है ना, वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था, तो ये पिछली दिवाली में बनाया था, और अभी भी देखिए कितना सुंदर लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा मेरा मंदिर लग रहा है, देखिए कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं। और ये देखिए बिटिया मेरी ये दवाई खा रही है, मैं इनको दवाई खिला रही हूं, तो बात कर लेते हैं इनसे। अच्छी लगती है क्या? बोला था डॉक्टर अंकल ने सुबह शाम खाना है। क्यों? क्योंकि मैं बीमार था। बीमार क्यों हो गए थे? क्योंकि मैं रात को भूल गया था। क्या भूल गया था? कि मैं बुखार है। बुखार है? बुखार क्यों आ गया था?
क्योंकि मेरे को आंसू आए थे। आंसू आए थे इसलिए? आंसू आते तो बुखार आ जाता है। किसने बोला ऐसे? किसने बोला ऐसे? मैंने सोचा। सोचा ऐसे? वेरी गुड। और क्या क्या सोचा बताओ जल्दी। कि मम्मा ने मेरे को थका दिया। क्या कर दिया मम्मा ने? थका दिया। थका दिया। काम कर रही थी क्या? नहीं। फिर जल्दी किसके थक गया। हाँ, कहाँ गए थे हम लोग? डॉक्टर के पास। क्या बोले डॉक्टर अंकल? घर चले जाओ। घर चले जाओ। और आलू की सब्जी खाया करो। और और क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? सारा खाना खाना। हाँ, और क्या बोले? करना और रेस्ट करना। फिर क्या हो जाएगा मेरा बेबी? ठीक हो जाएगा, है ना? कैसे हो जाएगा? ठीक हो जाएगा मेरे ना। कैसे हो जाएगा? फिर बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना? भूखी ठीक हो जाएगी तो बड़ा हो जाएगा ना। अब भूखी मुंह पे से जाके पेट में चली गई। और पेट में चली गई? सर्दी आ गई है। सर्दी आ गई है अब, है ना? अब क्या होगा? जुकाम का क्या होगा? नूजी क्या करेगी? सरक लेगी। क्या क्या बोलती है? सरक क्या करेगी? सोख लेगी। सोख लेगी। हाँ। किसको? जुकाम को। जुकाम को। किसने बोला ऐसे? मैं तो सोचा। डॉक्टर ही बन गया तू तो, है ना? डॉक्टर बन गया भैया मेरा बेटा तो, डॉक्टर बन गया है ना? तो ये देखिए डिनर की तैयारी होने लगी है। और ये आलू, जो दम आलू की सब्जी होती है, वो मैं बना रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची और प्याज लहसुन का तड़का मैंने लगाया है। और ये टमाटर मैं डाल देती हूँ इसमें। और ये सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि आलू बॉईल कर लो और बस तड़का लगाना रहता है। और ये मसाला भी मैंने भून लिया था और आलू बॉईल किए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और नमक भी मैंने डाल दिया है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है सब्ज़ी। पूड़ी के साथ खाओ ना, इसको बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। अब मैं इसको चला करके आपको बताती हूँ। ये गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है और ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और ये रात को मैंने डिनर में बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी भी बन जाएगी और थक भी बहुत गए थे। तो मैंने बोला थोड़ी जूस वाली सब्ज़ी होगी तो जल्दी से खाना खिल जाएगा आराम से। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी, कितनी अच्छी दिख रही है, लाजवाब एकदम। तो अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल दूंगी। आप इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डाल दें, मगर बनाई मैंने इसको सिंपल तरीके से ही है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम इसको ढक करके बॉईल कर लेते हैं। 5-10 मिनट का ही काम होता है इसमें, बहुत जल्दी बन जाती है। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन भी गई है। और अब मैं इसमें धनिया पत्ता कट करके ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं धनिया पत्ता ज़्यादा तरीके से डाल करके आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे धनिया पत्ता नहीं खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं धनिया पत्ता कम डालती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर ली है, मंदिर की साफ़ सफाई भी कर ली है। और ऑलमोस्ट पहले ही कर ली थी मैंने सारी साफ़ सफाई, लेकिन बस मंदिर की बची थी जो मैंने नहा धो करके आराम से कर ली है, क्योंकि मंदिर में बिना नहाए नहीं जाते हैं। मैंने पूरा मंदिर धुलाई करके, पूरा भगवान वगैरह को साफ करके सबको अच्छे से जमा दिया है, क्योंकि परसों के दिन से जो है नवरात्रा चालू होने वाले हैं, तो फिर व्रत वगैरह रहेंगे, इसलिए हम लोग पहले ही साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो लंच में तो हम लोगों ने दाल चावल बनाया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। बट डिनर में हम लोगों ने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो आलू बॉईल करके बनती हैं। तो देखिए अभी नाइट हो गया है और ऑलमोस्ट सभी का डिनर जो है कंप्लीट हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्री होके बैठी हूँ और देखिए मैंने बालों में ऑयल लगा लिया है, तो अजीब सा चेहरा दिख रहा है, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो इसलिए मैंने ऑयल लगा लिया है। तो इसलिए अजीब से बाल और अजीब सा सर लग रहा है और मेरा चेहरा भी अजीब सा दिख रहा है। तो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तब तक ही मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस दे पाऊँगी। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और सब्सक्राइब जो आप लोग कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और आज के लिए इतना ही।